जहाँ पे हम पहुँच गए हॉस्पिटल का, वहाँ पे एक एक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि वहाँ पे आपका बुजुर्ग जी है, ठीक है, उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए सब वीडियो में, तब तक के चैनल मिलते हैं। आपका बुजुर्ग ने पानी दे दिया था, उसके सामने यहाँ पर रोड का काम है जो कि बनाया जा रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काम बढ़ाया जा रहा है। तो हम चलते हैं वहाँ से जहाँ आपका बुजुर्ग ने अपने पास दे दिया था। बोध गया से आने के बाद पहला जो अपना यहाँ पर सभा की थी, तो इसी जगह अपने उपदेश दिया था, जो कि बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के आने के बाद यहाँ पर पहली अपनी सभा की थी, जहाँ पे 500 शिष्यों को अपने उपदेश दिया था। तो उस स्थान से आपको परिचित कराते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो में। जब यूट्यूबर भैया मिले, जिनका नाम भैया क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? द ब्लॉगर बंधु। भैया पटना से और वहाँ से आए हैं यहाँ पर सारनाथ की वीडियो बनाने। आज हम लोग को पहली बार एक कोई नए यूट्यूबर से हम लोग को मुलाकात हुई सारनाथ की, तो भैया के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और उनकी भी ब्लॉग कर देना। इनका बहुत लंबा लंबा ट्रिप का वीडियो बनता है, हमारा तो बस सारनाथ बनारस का ही सीमित है। तो ठीक है, आगे हम मिलाते हैं आगे और पार्क में मिलते हैं, तब तक के लिए। ये रहा मेन एंट्री जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी के अंदर वो स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सभा की थी और अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ये है इसकी एंट्री, देख सकते हैं कोई बड़ा गेट नहीं है, सामने ही महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो आइए वहाँ पर मिलते हैं। एंट्री हो चुकी है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जहाँ पर सारनाथ में जो बोध गया से आकर पहली अपनी जनसभा की थी धर्मचक्र के नाम से अपना उपदेश दिया था। ये वही अभी स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, देखते रहिए वीडियो, तब तक बने रहिएगा वीडियो में। वही स्थान है जहाँ जिस स्थान की हम आपसे बात किया करते थे कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी पहली जनसभा अपने 5 शिष्यों के साथ की थी। तो ये वही 5 शिष्य, वही दृश्य बनाया गया है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी फर्स्ट टाइम अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो ये देख सकते हैं नज़ारा, महात्मा बुद्ध की स्मृति आज भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ, ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत से भिक्षा, इनके भिक्षु के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं और यहाँ का सारनाथ के आसपास का नज़ारा, तब तक नहीं बने रहिएगा वीडियो में। जाए देख सकते हैं, इस समय हम प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं सारनाथ के उस स्थान पे जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपनी जनसभा की थी बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ये वही स्थान है, देख सकते हैं आप यहाँ का बैक साइड से भी देख सकते हैं, चारों बहुत नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप यहाँ भी आकर घूम सकते हैं, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है, बाकी अंदर एक की चिड़िया घर है वहाँ पर टिकट लगता है। तो अगर आप यहाँ घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
खूबसूरत स्थान है, आप भी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहेगा वीडियो। जहाँ उसने खुशों को उपदेश दिया था, अब हम निकलते हैं पार्क के साइड जहाँ पे था, इसी के जस्ट पीछे सारनाथ जू बनाया गया है और यहाँ पर भी आप आकर घूम सकते हैं। और काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ तो बहुत भिक्षुकों से संबंधित था, बहुत धर्म से प्रभावित बहुत सारनाथ। अधिकतर सारनाथ में जो पार्कों के यहाँ के स्मारक है वो अधिकतर बहुत धर्म से ही संबंधित है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी और कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें और पार्क देखने को भी मिलेगा। आप आकर यहाँ पे घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ से जुड़ी आध्यात्मिक चीज़ों को जानने के लिए बने रहेगा वीडियो में। सारनाथ का जू पार्क, इसके अंदर आपको यहाँ से टिकट लगेगा और टिकट लेने के बाद सामने आपको मिल जाएगा चिड़ियाघर सारनाथ का, और आप इसमें भी घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ पक्षी हैं जहाँ हम लोग नहीं देखे होंगे, तो आप इसके अंदर भी घूम सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, हम लोग इधर से ही इस साइड चलेंगे पार्क में, थोड़ा पार्क का सीन दिखाएंगे, फिर आप निकल चलेंगे घर के लिए। जस्ट आपको यहाँ से एंट्री से करके आप जस्ट इसके उस पार चिड़ियाघर मिल जाएगी आपको, ठीक है। हम लोग चिड़ियाघर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार गए हैं, इसलिए हम लोग चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं। हम लोग अब सीधे चलते हैं इधर से पार्क में, पार्क में अच्छे से थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचेंगे, फिर चलेंगे घर के साइड। तब तक के लिए तो नहीं रहेगा वीडियो में, हालांकि आप यहाँ आएंगे तो आप चिड़ियाघर में ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर घूमेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये चिड़ियाघर सारनाथ का। इस पार्क में आपको मिल जाएंगे कुछ हिरण, बारहसिंगा, उधर के साइड कुछ बर्ड्स मिलेंगे जो होंगे, उसमें मिल जाएंगे आपको मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जानवर, उसमें शुतुरमुर्ग भी है इस जू में। तो आकर आप यहाँ पर घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है।